रणबीर कपूर ने डायरेक्टर अनुराग बासु के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, पिक्चर शुरू प्रोडक्शन हाउस। और इस प्रोडक्शन हाउस के तहत ऐसी पिक्चर बनी कि एक पिक्चर के बाद ही ये प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया। जग्गा जासूस की यहां पर बात हो रही है। इस फिल्म में गोविंदा भी थे, लेकिन उनका रोल एडिट आउट कर दिया गया। क्यों गोविंदा का रोल इस फिल्म में नहीं रखा गया, इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और अब एक बार फिर ये बात सुर्खियों में आ गई है। कारण है अनुराग बासु की हाल ही में लूडो नाम की जो फिल्म रिलीज हुई है, उसी के मीडिया इंटरेक्शन के दौरान अनुराग बासु से फिर से यही सवाल पूछा गया कि गोविंदा को आखिर जग्गा जासूस फिल्म में स्पेस क्यों नहीं दिया गया, क्यों उनका पोर्शन शूट करने के बावजूद उस पोर्शन को फिल्म में रखा ही नहीं गया। इस पर एक बार फिर अनुराग बासु ने जवाब दिया है और जवाब में कुछ खास क्लैरिटी नजर नहीं आई है। उन्होंने कहा है, जग्गा जासूस की शूटिंग काफी दिनों से टल रही थी और उसके बीच ये भी समझ नहीं आ रहा था कि गोविंदा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो फ्लाइट ले रहे हैं या नहीं, या फिर शूटिंग ही कैंसिल कर दी जाए। अनुराग बासु ने कहा कि उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो इतना स्ट्रेस ले नहीं पाए क्योंकि फिल्म का और भी काम उनके सर पर था। उन्होंने कहा कि उस टाइम साउथ अफ्रीका में शूटिंग चल रही थी और क्योंकि अब्रॉड में शूटिंग का कॉस्टिंग ज्यादा रहता है, इसीलिए सब कुछ प्लान के मुताबिक करना था। ऐसे में असमंजस वाली स्थिति को हमने ड्रॉप करना ही ठीक समझा और इसीलिए गोविंदा को साइड कर दिया। आपको बता दें कि 2017 में जब जग्गा जासूस को लेकर ये बात सामने आई थी कि गोविंदा के पोर्शन को नहीं रखा गया है, तब उन्होंने ट्विटर पर ये बात शेयर की थी कि किस तरीके से बीमारी की हालत में उन्हें ड्रिप चढ़ रही थी, उसके बावजूद वो मुंबई से साउथ अफ्रीका गए सिर्फ इस फिल्म की शूटिंग के लिए। लेकिन उनकी इस मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया अनुराग बासु और रणबीर कपूर ने। गोविंदा ने कहा, क्योंकि रणबीर कपूर प्रोडक्शन में कदम रख रहे हैं इसीलिए, और कपूर फैमिली की वो बहुत इज्जत करते हैं, ऋषि कपूर साहब उनके सीनियर रहे हुए हैं, ऐसे में गोविंदा ने रणबीर कपूर की इस फिल्म के लिए हाँ कहा था, लेकिन इस तरह का बर्ताव उनके लिए भी बहुत ही शॉकिंग था। गोविंदा ने यह भी कहा कि एंड टाइम तक मुझे स्क्रिप्ट नहीं शेयर की गई, मुझे कहा गया कि यहीं पर आ जाओ, यहीं पर आपको स्क्रिप्ट बताएंगे, क्योंकि फैमिली टर्म्स थे इसीलिए गोविंदा ने बिना स्क्रिप्ट, बिना साइनिंग अमाउंट, बिना अपने रोल के बारे में पूछे इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया, लेकिन उनके साथ धोखा ही हुआ। इस मामले में रणबीर कपूर ने गोविंदा से माफी भी मांगी। उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि गोविंदा एक बहुत बड़े स्टार है, हमारी स्क्रिप्ट एंड मोमेंट तक फाइनलाइज नहीं हुई थी, ऐसे में अधूरी स्क्रिप्ट के साथ हम गोविंदा जैसे स्टार के किरदार के साथ जस्टिस नहीं कर पाते, इसीलिए हम गोविंदा को इस फिल्म में नहीं रख पाए और उसके लिए उन्हें बहुत अफसोस है, इसीलिए उन्होंने माफी भी मांगी। आपको बता दें कि पहली बार नहीं हुआ है जब फिल्म से गोविंदा का रोल एडिट किया गया हो बहुत ज्यादा। इससे पहले जब उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म रावण की तो उसमें भी गोविंदा का रोल हाईली एडिट किया गया, किल दिल में भी गोविंदा के रोल को काफी एडिट किया गया और हैप्पी एंडिंग में भी गोविंदा का रोल बहुत छोटा रखा गया।